हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। अब आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के आखिरी पड़ाव में हैं। अब आप किसी भी समय लेबर में जा सकती हैं या फिर वाटर ब्रेक हो सकता है। अगले कुछ ही हफ्तों में आप अपनी नन्ही सी जान को अपनी गोदी में उठा पाएंगी, उसे अपने हाथों से छू पाएंगी। हालांकि इस समय एंग्जाइटी को ईज पर रखते हुए आपको संयम बनाए रखना है। ऐसी स्थिति में शांत रहें और सब्र से काम लें। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप उन 10 लकी विनर्स में से एक हो सकते हैं जो हर फ्राइडे 500 रुपए का वाउचर जीतते हैं। आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और उस शब्द को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है जो आपको वीडियो में मिलता है। वाउचर रिडीम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और माइलो ऐप डाउनलोड करें। व्हाट सिम्पटम्स डू यू एक्सपीरियंस इन द 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? तो आइए जानते हैं उन सब मानसिक और शारीरिक बदलाव के बारे में जो आपको इस लास्ट ट्रिमेस्टर में महसूस होंगे। बढ़ता हुआ यूट्रस ब्लैडर पर प्रेशर डालता है, जिससे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। म्यूकस प्लग के एक्सप्लोजन से पता लग जाता है कि अब लेबर टाइम नजदीक है। वजाइना वॉल्स और सर्विक्स के सॉफ्ट हो जाने पर वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। बड़े हुए यूट्रस के कारण बैकएक होने लग जाता है। बड़ा हुआ यूट्रस इंफीरियर वेना कावा पर प्रेशर डालता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में एक लार्जेस्ट वेन होती है। इससे ब्लड का बैक फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और वेन्स में स्वेलिंग या फिर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। फटीग बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी को काफी ओवरवर्क कर रही होती है। वाटर रिटेंशन होने से एडीमा यानी कि एंकल और फीट में स्वेलिंग की शिकायत बढ़ जाती है। बढ़ा हुआ वेट या फिर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से बॉडी या तो इनएक्टिव हो जाती है या फिर काफी एक्टिव हो जाती है। ऐसा होने से लेग क्रैम्प्स होना भी एक आम बात है। इंसोम्निया, बॉडी पेन और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से आप स्लीप डिप्राइव्ड रहने लग जाते हैं। बेबी का वेट जब पेल्विस पर प्रेशर डालता है तो इससे पेल्विक पेन होने लग जाता है। ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। ब्रीद करना इजियर हो जाता है क्योंकि बेबी अब पेल्विक एरिया तक पहुंच चुका होता है। डायफ्राम पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। फिजिकल चेंजेस इन द 9th मंथ। प्रेग्नेंट बेली काफी अधिक आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है। बेली बटन भी बाहर की तरफ निकल जाता है। ब्रेस्ट में कोलेस्ट्रम यानी कि येलो फ्लूइड जैसा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। किसी भी डिस्कम्फर्ट या पेन महसूस होने पर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। निप्पल्स और एरियोला बहुत डार्क हो जाते हैं। यूट्रस के एक्सपैंड होने से स्किन टिश्यूज टियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण आपकी स्किन, हेयर और नेल बहुत अच्छे हो जाते हैं। चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है और बालों में एक शाइन आ जाती है। लीनिया निग्रा बहुत प्रोमिनेंट और विजिबल हो जाती है। इमोशनल चेंजेस इन द 9th मंथ। मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एब्सेंट माइंडेडनेस, फॉरगेटफुलनेस, बेबी के अराइवल से पहले नेस्टिंग इंस्टिंक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। बेबी डेवलपमेंट इन द 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इस टाइम तक बेबी फुली डेवलप हो चुका होता है और ये सब ऑर्गन्स फुली फंक्शनल हो जाते हैं, जैसे कि स्किन स्मूथ एंड पिंक, लंग्स ऑलमोस्ट फुली डेवलप्ड, आईज स्टार्ट्स टू ओपन एंड क्लोज, द बेबी कैन नाउ ब्लिंक, ईयर्स सॉफ्ट ईयर लोब्स विद लिटिल कार्टिलेज, लनुगो soft hair on the body are completely gone, muscles toned muscles and baby can now turn and lift his or her head, genitals in girls the labia begins to cover the clitoris and in boys the testes begin to move from the abdomen to scrotum, head gets covered with hair. What to expect during the visit of the gynae? Aapke doctor kuch examinations karenge, jaise ki weight check, ब्लड प्रेशर चेक, मॉनिटरिंग द फीटल हार्ट बीट एंड द पोजीशन, मेजरिंग द फंडल हाइट, चेकिंग फॉर द सर्विक्स ओपनिंग और डायलेशन। डॉक्टर्स आपको एक ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस टेस्ट रिकमेंड करेंगे। इससे वजाइनल और रेक्टल इन्फेक्शन का पता चल जाता है, अगर कुछ ऐसा है तो। प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन द 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। स्ट्रेस, एल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहें। काफी लंबे समय तक खड़े ना रहें। बेबी किक्स को काउंट करते रहिए और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट ना करें और जितना हो सके रेस्ट करें।
वॉकिंग और कीगल एक्सरसाइजेस करते रहिए, क्योंकि इससे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और एनर्जी लेवल्स बूस्ट अप हो जाते हैं। रेगुलर इंटरवल्स पर स्मॉल मील्स खाते रहे। बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी मेडिसिन बिल्कुल ना ले। हमेशा कंफर्टेबल और ब्रीदेबल क्लोथ और फुटवेयर पहने। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखे। कैट लिटर को क्लीन ना करें, क्योंकि उससे टॉक्सोप्लास्मोसिस हो सकता है। अपना मेटर्निटी बैग रेडी रखें और एंटीनेटल अपॉइंटमेंट्स को डिले ना करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार बताएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें माइलो फैमिली चैनल पर। बेल आइकन दबा देना ताकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आती रहें।